आपने रोल भी देखे थे, क्या क्या ये करता है, क्या क्या इनके पास फंक्शंस हैं। तो सेंसरी है, मोटर है और एसोसिएशन एरिया है। अब यहाँ आप देखो, इस पिक्चर में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए, कौन सा एरिया क्या कर रहा है। ये आपका एसोसिएशन एरिया यहाँ है, इधर सेंसरी एरिया वाला, ये जो आपका हिस्सा बनाया गया ये सेंसरी एरिया है। यहाँ आपके जो मोटर फंक्शंस हैं ये दोनों हिस्सा कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ एक आपका कुछ और टर्म्स हैं, हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो इस फ्रंटल पार्ट से कंट्रोल करा जाता है। ऑडिटरी एरिया है, जो आप सुन रहे हो उनके सभी उन सभी सेंसेस को ये डिटेक्ट करता है। विजुअल एरिया है, जो कुछ आप पिक्चर देख रहे हो, मीन्स जो विजुअलाइजेशन हो रहा है, वो सभी का आपका यहाँ पे एनालिसिस होता है। दो वर्ड आपके सामने एक आया है, ब्रॉडकास्ट एरिया और वर्निकेक्स एरिया। ये दोनों के बारे में आप देखते हैं क्या करते हैं। इन सब के बारे में, इन दोनों को छोड़ दो, तो इन सब का फंक्शन आपको समझ आ रहा है कि क्या करेगा। इनको और इनको छोड़ दो, इसका काम क्या है, जो आपके रीजनिंग है, जिसे आप मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हो, या जो भी आप, जब भी हमारा ब्रेन एक हाई थॉट पे जाता है तब हम इस पार्ट का यूज करते हैं, या मीन्स ब्रेन का ये हिस्सा काम करता है। एंड मोटर फंक्शंस आपको पता है, जितने भी आपके वॉलेंट्री फंक्शन है वो आप यहाँ से, हमारा ब्रेन सेंसरी इम्पल्स आएगा, चाहे वो सेंसरी एरिया में, चाहे वो ऑडिटरी हो, विजुअली हो, ये सभी आएगा। और यहाँ मोटर एरिया जो है ये एनालाइज करके फिर ये इम्पल्स सेंड करता है फॉर द रिस्पॉन्स। ये आपका क्या कराएगा, सेंसरी रिस्पॉन्सेस के लिए, सेंसरी स्टिमुलस के लिए ये रिस्पॉन्स देता है। आप कुछ सुन रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स आएगा वो आपका मोटर एरिया डिसाइड करता है। और ऑडिटरी है, ऑडिटरी मतलब आप समझ रहे हो, साउंड से मतलब है, विजुअल पिक्चर से मतलब है, एसोसिएशन एरिया, इन सभी जितने भी इम्पल्सेस आते हैं, कौन से का पहले एनालिसिस करना है, कौन से का कमांड पहले देना है, कौन से का बाद में देना है, वो काम करता है। जैसे आपने मेमोरी देखा था, और सेंसरी जो सिग्नल्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है, वो उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सेरिब्रम जो है वो हमारा रैप करता है अराउंड द एक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं थैलमस। सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है वो थैलमस को रैप करता है, विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। जो थैलमस है, अब थैलमस को यहां देखो, ये पूरा हिस्सा आपका सेरिब्रम का है। यहाँ नीचे जो आपका ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये पूरा थैलमस है, और इसी के ऊपर एपिथैलमस कुछ, या हाइपोथैलमस भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो आपके सेंसरी और मोटर फंक्शंस हैं, उन दोनों को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कराने के लिए, क्या कराने के लिए, कोऑर्डिनेट कराने के लिए। मतलब क्या हुआ, एपिथैलमस इज अपर या डोर्सल पोस्टीरियर पार्ट है, इसका अपर और डोर्सल पोस्टीरियर, डोर्सल का मतलब हुआ पीछे, पोस्टीरियर का मतलब हुआ नीचे के साइड, रिले सेंटर की तरह काम करता है। अब ये रिले सेंटर समझना है, रिले सेंटर क्या होता है वो देखो, रिले स्टेशन का नाम सुना है कभी, रेडियो आपने सुना होगा कभी, रेडियो तो सुना ही होगा, रेडियो का कहीं से आपने सुना होगा कि वो प्रसारण केंद्र है, वो रिले सेंटर है, हिंदी में प्रसारण केंद्र बोलते हैं, और ये इंग्लिश में वर्ड क्या लिखा जाता है, रिले सेंटर। रिले का मतलब होता है कि जहां से सिग्नल्स दिए जाएं, सिग्नल सेंड करे जाएं। अब यहां देखोगे अगर थैलमस को, तो स्पाइनल कॉर्ड थैलमस से आके कनेक्टेड है, और आपकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी, और जो भी सेंसरी है, जैसी भी नेचर की है, जो भी ये सेंसेस, जो भी स्टिमुलस लेके आएंगे, वो पहले आएगा थैलमस के पास, किधर आएगा, थैलमस के पास, सारे
सेंसरी स्टिमुलस को, ये डिसाइड करता है कि कौन से स्टिमुलस को पहले प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से को बाद में रखना है। सारे सेंसेस हम ले रहे हैं लेकिन इस थैलेमस से ये डिसाइड करा जाएगा कि सेरिब्रम में किसको पहले भेजना है। जैसे मान लो कि चार सेंसेस जा रहे हैं, 1, 3, 2, 3, 4, चार सेंस स्टिमुलस जा रहे हैं, इसमें से फोर्थ नंबर वाले स्टिमुलस का रिस्पांस सबसे पहले देना है। तो ये थैलेमस फोर्थ नंबर वाले स्टिमुलस को सेरिब्रम में सबसे पहले भेजेगा, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर वाले को भेजना है तो वो सेकेंड नंबर वाले को भेजेगा, उसका जैसा भी नेचर का वो सेंस स्टिमुलस होगा उस एरिया में जाके वहां पे उसकी प्रोसेसिंग एंड मोटर एरिया से वो उसका सिग्नल जाए, रिस्पॉन्स आएगा इधर। अब उसके बाद मान लो कि थर्ड नंबर वाले को भेजना है तो थर्ड नंबर को स्टिमुलस भेजेगा, एंड फर्स्ट को सबसे लास्ट में भेजना है, तो थैलेमस ये डिसाइड करता है। इकट्ठे बहुत सारी भीड़ आ गई, किसी मान लो कि आपके इधर गेट पे बहुत सारे लोग आ गए, अब वो गेट कीपर डिसाइड करेगा कि किसको कब जाने देना है, किसके बाद जाने देना है ना। तो वो थैलेमस का काम, जो ये काम करे उसको बोला जाता है रिले सेंटर। उसको जैसे आप वहां जो बैठा होता है रेडियो स्टेशन पर, वो क्या करता है कि भाई इस गाने के बाद ये गाना बजाना है, इस प्रोग्राम के बाद ये आना है, वो सारा जो शेड्यूल होता है वही डिसाइड करता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि सारे इकट्ठा ऑन करके वो सारा खिचड़ी बना के भेजे, तो वो आप ना तो सुनोगे ना अच्छा लगेगा, ना ढंग से रिस्पॉन्स आपका आएगा, उस चैनल का भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो सेम आपके ब्रेन के साथ भी है, जितने भी सिग्नल्स आते हैं उन सबको पहले थैलेमस ले जा, थैलेमस के पास आता है, थैलेमस उसको सम अप करता है कि भाई कौन से सेंसर, कौन से स्टिमुलस को पहले भेजना, कौन से बाद में भेजने, वो डिसाइड करके एज अ रिले सेंटर वो काम करता है, ठीक है। और मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। अभी मैंने सेंसरी सिग्नल की बात करी कि आप जो भी सेंसेस ले रहे हो, सेम एज इट इज मोटर सिग्नल्स की भी बात होगी। जो आपका सेंसरी सिग्नल जा रहा है सेंस ऑर्गन से, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद जो उसके लिए रिस्पॉन्स आना है, मोटर सिग्नल इसे हम कहेंगे, उसका भी क्या सिक्वेंस रखना है वो भी थैलेमस ही डिसाइड करेगा। क्योंकि ब्रेन का जो मोटर एरिया है वो एनालाइज करके बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ भेज देगा, और वो बहुत सारे सिग्नल्स भेजने के बाद ये थैलेमस डिसाइड करेगा कि किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है मोटर। क्योंकि रिस्पॉन्स, सारे रिस्पॉन्स एक साथ नहीं आते, इमरजेंसी के सिचुएशन में होंगे तो कुछ रिस्पॉन्सेज पहले आने होंगे। जैसे आपके सामने कोई बहुत खतरनाक जानवर है तो आप उसको देखकर पहले भागना नहीं शुरू करोगे, पहले आपके अगर हाथ में कोई हथियार है, कोई डंडा है, तो उसको पहले डराओगे फिर भागोगे कि वो थोड़ा रुक जाए फिर मैं भागूंगा, या डर के मारे थोड़ा सा वो पीछे हो जाएगा मैं भागूंगा फिर गैप हो जाएगा तो मैं सेफ हूं। ऐसा नहीं कि बस देखा और भागना शुरू करोगे तो तुमसे तेज दौड़ सकता है, पकड़ लेगा। ये कुछ आपका ब्रेन डिसाइड करता है ऐसे आपके जब ऐसे सिचुएशंस में हम जाते हैं। तो ये अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो, ये कोऑर्डिनेशन अगर बॉडी का नहीं हो, ये ब्रेन कोऑर्डिनेट ना करे, तो आप उस इमरजेंसी की कंडीशन से अपने आप को एस्केप ही नहीं करा पाओगे, बेवजह ही मारे जाओगे। अब जैसे मान लो कि आप यहां से घर गए, मम्मी की शक्ल बहुत गंदी सी ऐसे गुस्से वाली है, तो आपका ब्रेन तुरंत तैयार हो जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो क्या, बस पिक्चर देखा देन डिसाइड करा। अब वो हाथ में अगर झाड़ू हो जाए तो फिर और तैयार हो जाएगा, अलर्ट मोड में आ जाएगा, नहीं हिलना भी नहीं है, सीधे सीधे निकल लो, एक डिस्टेंस बना के निकल लो। ये भी नहीं पूछ सकते मम्मी हुआ क्या है, अगर पूछने गए तो बेवजह ही वो झाड़ू पड़ जाएगी, है ना। तो हम वेट करेंगे, ब्रेन डिसाइड करता है। ये सारा आपका सिग्नल तो सारा आ रहा है, हम चाहते हैं कि पूछें, बात करें, लेकिन नहीं, ब्रेन का सिग्नल ये होता है कि हाँ हमें पूछना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसा ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर रोकते हैं क्योंकि खतरा ज्यादा है। तो ये आपका सिग्नल्स को मैनेज करने का काम रिले सेंटर की तरह काम करता है आपका थैलेमस। और इसी के बाद एक और बात देख लो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस।
लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, ये बेस थैलेमस के नीचे होता है इधर यहाँ पे, और ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। और ये कुछ सेंटर्स इनके पास भी होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, एंड ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है? आपका बॉडी का टेम्परेचर, कब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है, कब कम करना है। जैसे फीवर आ जाता है तो फीवर ये लाता है हाइपोथैलेमस। अगर बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, किसी पैथोजन का अटैक है, तो बॉडी टेम्परेचर ये बढ़ा देगा। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब कि आपकी बॉडी अडॉप्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है उस पैथोजन से। टेम्परेचर बढ़ा के उस पैथोजन को मारने की कोशिश करी जाती है, जिसे हम फीवर कह देते हैं। फीवर प्रॉब्लम नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। फीवर बॉडी का एडजस्टमेंट है, रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है? फीवर होने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डाइजेशन है और बहुत सारी जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में चल रही हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो आपको बुरा लगने लगता है। मीन्स जैसे आप कहते हो कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग्स जो आपके ब्रेन का सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आ जाएगा, अनकंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। बट जबकि बॉडी क्या कर रहा है? बचाने की कोशिश कर रहा है। उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही, उससे बचने के लिए हम टैबलेट्स ले लेते हैं, ना कि उस पैथोजन को मारने के लिए टैबलेट लेते हैं। आप नॉर्मल कफ कोल्ड में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक हुआ। अब इन्फ्लुएंजा वायरस का अगर कॉलोनी मीन्स नंबर बॉडी में बढ़ा तो हमारे लिए खतरा है, तो बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाया उसको मारने के लिए। अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो आपको गंदा गंदा सा लगेगा, यार ये क्या बुखार सा हो गया, हमें भूख नहीं लग रही है, मीन्स बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, पैरासीटामोल ले लिया। पैरासीटामोल क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को मतलब कहेगा कि भाई तू जो टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है कम कर। अब वो बॉडी टेम्परेचर कम कर देगा, भले ही तुम्हारा बॉडी डैमेज हो जाए, कोई चक्कर नहीं, वो असर हाइपोथैलेमस पर करेगा। बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, और कम हुआ तो फिर आपको सब कुछ ठीक ठीक लगने लगेगा। डिस्टर्बेंस जो चल रहा है वो ठीक हुआ या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कॉमन कफ कोल्ड में क्या नेजल फ्लो बंद हो जाता है, कफ जो कफिंग हो रही होती है बंद हो जाता है? नहीं, लेकिन बुखार ठीक हो जाता है। अगर आप उसको नेचुरली छोड़ दो तो अपने आप भी ठीक हो जाएगा, बट वो लेगा 4 से 5 दिन। 4-5 दिन आपको ऐसे कंडीशन में रहना मुश्किल लगता है, तो इसलिए दवाई ले लेते हैं। जबकि वो क्या है, एडोप्टेशन है। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ना एडोप्टेशन है। अर्ज ऑफ ईटिंग आपको पता है, ड्रिंकिंग पता है कि भाई आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो हाइपोथैलेमस का काम है। अब भूख और प्यास का सेंटर ब्रेन के पास है, अब ब्रेन आपका फ्री होएगा ही नहीं तो भूख प्यास लगेगा कैसे, है ना? तो मतलब ब्रेन को अगर ओवर बर्डन करोगे, जिसे आप स्ट्रेस के नाम से जानते हो, स्ट्रेस में भूख प्यास भी नहीं लगता या फिर बहुत लगता है, दोनों हो सकता है, ठीक है? तो कैसा उस कैसा स्ट्रेस है वो आपको समझना होगा। एंड इसके पास एक न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है। अब देखो, हमने जो न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है वो इम्पल्स कंडक्शन के लिए पढ़ा है। हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो क्या कर सकते हैं, दे सिक्रीट समथिंग। अब ये समथिंग क्या है वो देखो, ये कुछ सिक्रीट कर सकते हैं। इनके सिक्रीशंस को बोला जाता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का नाम तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इन जनरल जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ सिक्रीट नहीं करते। हाइपोथैलेमस की सेल्स जो है वो कैसी नेचर की है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं। मींस ये कुछ सिक्रीट करते हैं और वो हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसे हम हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कहते हैं। एंड दीज हॉर्मोन्स, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, कंट्रोल द
एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी आप आगे समझ लो, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हॉर्मोन सिक्रीट करता है, एंड ये इसके हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जितने बॉडी में आपके और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन सिक्रीट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड नाम दे दिया जाता है। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है तो उसके ऊपर वाला वो नाम दे दिया जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये हम कैसे कंट्रोल करता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर की बात है, बट यहाँ पे आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो एक रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है। कोई फंक्शंस लिखे हैं ना, ये दोबारा से भी मिलेंगे, लेकिन एक बार यहाँ आपको समझना जरूरी है। पहला लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, जिसे आप बोलते हो एक और नाम से लिखे, इसको आपको मिलेगा सर्केडियन रिदम। क्लॉक सिस्टम क्या है? हमारा जो सबके पास एक फिक्स टाइम पीरियड है जिसे हम एक दिन कहते हैं, है ना, एक टाइम आपका वो नाइट का है, आधा आधा डे का है। उस बायोलॉजिकल, इस पूरे टाइम पीरियड में हमारा बॉडी का एक फिक्स रूटीन है, हमें सुबह उठना है, दिन भर अपने काम करने हैं, रात में फिर सो जाना है। ये जो रूटीन है नेचुरल, कि रात में ही सोना है और दिन में जगना है, और एक खाने का टाइम फिक्स्ड है कि हमें इस टाइम पे खाना खाना है, मींस सारा आपका एक सेट ऑफ सेट है बायोलॉजिकली। इसको डिस्टर्ब करना मतलब आपने हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करना, और सबसे बड़ा अटैक इसी पर हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर अपने आप बॉडी अपने आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हो, ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हो, तो वो हाइपोथैलेमस है। जैसे देर रात तक जगना, सुबह 10 बजे उठना, जब मन करे तब कुछ ठूस लेना, जो मन करे वो खा लेना, ये सब गलत है। ये आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ब्रेक कर रहे हो। अब जब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा, अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुआ तो मतलब हाइपोथैलेमस नॉर्मल रहा नहीं, डिस्टर्ब्ड है, एंड हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मींस जो पिट्यूटरी कंट्रोल है दैट इज आल्सो अफेक्टेड। एंड जब पिट्यूटरी का जो कंट्रोल वो अफेक्टेड हुआ तो पिट्यूटरी और ग्लैंड्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम समझ आ गया कि क्या होता है और कौन कंट्रोल करेगा, और अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पूरा बॉडी का फंक्शनिंग ही आप इम्बैलेंस कर लेते। थर्मोरेगुलेशन है, वो पीछे हमने देख लिया, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपका बिहेवियर और इमोशन कैसा होगा वो भी इसी के पास कंट्रोल है। और इसका बढ़िया एग्जांपल मुझे लगता है, सबका देख लो, अपना अपना बिहेवियर होता है और सबके पास अपने अपने इमोशंस होते हैं, है ना। इमोशंस तो बहुत भरे पड़े हैं और बिहेवियर जानवरों जैसा हो गया है, ठीक है। तो बिहेवियर एंड इमोशंस को भी अगर आपको ठीक रखना है, अपने बिहेवियर एंड इमोशंस को ठीक रखना है, तो ब्रेन को जो सिग्नल दे रहे हो वो ठीक होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए सराउंडिंग में। वो पॉजिटिव वाइब्स हैं क्या? हाजी, वो पॉजिटिव वाइब्स हैं क्या, ये किसी ने सोचा कभी? क्या ये सबसे बड़ा नेगेटिव वाइब्स है। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब होता है जो भी बॉडी में सिग्नल्स जा रहे हैं, सिग्नल जाएगा या तो आपका कोई चीज विजुअलाइज करोगे, या कुछ सुनोगे, या स्मेल करोगे, स्मेल आपको पता चलेगा, या कोई टच करेगा, यही सेंसेस हैं। इन सेंसेस के लिए जो आपके सराउंडिंग में है, जैसे स्मेल, वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कमरे में मरा हुआ कुत्ता रख लें,
है ना, अब आपके घर कमरे में एक अच्छी स्मेल आ रही है, तो आपका दिमाग ना बड़ा पॉजिटिव वो उस कंडीशन में रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन देखो, एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन कंट्रोल का मैंने मतलब बता दिया, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी कंट्रोल्स द ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सारा एंडोक्राइन कंट्रोल इसी के पास है। और एंडोक्राइन सबसे बढ़िया बात यह है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स अंडर द नर्वस सिस्टम, याद है किसी को? और नर्वस सिस्टम आपका डायरेक्ट आपके सराउंडिंग से इंपैक्ट होता है। अब सराउंडिंग जैसा होगा वैसा नर्वस सिस्टम, वैसा एंडोक्राइन सिस्टम, वैसे आपके बॉडी में चेंजेस। हार्मोनल कंट्रोल क्या करता है, बॉडी में जो स्लो चेंजेस हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो कौन चेंज कराता है? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल चेंज। अब जैसा आपका सराउंडिंग है वैसा ही चेंज आएगा, ये आप सब देख लेना। एएनएस रेगुलेशन है, एएनएस रेगुलेशन आपके सामने हो चुका है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी यहीं से आपका कंट्रोल होता है। एंड उसके बाद ये तो आपका सामने हो चुका अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पीने का भी इंतजाम यहीं से होता है, इंतजाम नहीं मतलब अर्ज जो आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमाइग्डाला या हिप्पोकैम्पस, इनके पार्ट्स हैं, इनका इनर पोर्शन है। जैसे यहाँ पे देखो एमाइग्डाला और हिप्पोकैम्पस दिखाया गया, इस स्ट्रक्चर को एमाइग्डाला बोला जाता है और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ये क्या करते हैं, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम किसे किसे मिला हुआ है, किसे किसे बना हुआ है, दो वर्ड याद रखना है, एमाइग्डाला और हिप्पोकैम्पस। अलोंग विद हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस जैसे एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, फियर है, मोटिवेशन है। इन सब के लिए आपका दोनों काम करता है, कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस के साथ साथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये दो हिस्सा एमाइग्डाला और हिप्पोकैम्पस जब एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम करते हैं, तो हमारा ये कह सकते हैं कि एमाइग्डाला या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये दोनों स्ट्रक्चर और हाइपोथैलेमस आपके सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशंस कैसे होंगे कोई भी इमोशंस के लिए, है ना, जैसे एक्साइटमेंट में कौन बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पे, कुछ नहीं होते हैं वो, उनके ब्रेन का कंट्रोल है। प्लेजर, किसी को बहुत छोटी सी बात के पे बहुत अच्छा लग जाता है कि नहीं हाँ बहुत खुश हो गया, नहीं कुछ नहीं होते हैं तो वो उनका ब्रेन का कंट्रोल है। रेज आपका है, फियर है, मोटिवेशन है, ये सब ब्रेन का ही कंट्रोल है। इसीलिए देखो जब आप कोई मोटिवेटेड कंडीशन मोटिवेशन का लेक्चर सुनते हो, वो आपका साउंड ही जा रहा है या पिक्चर जा रहा है, तो ब्रेन थोड़े टाइम के लिए मोटिवेटेड रहता है, ब्रेन की बात। तो अब आप फोर ब्रेन में देखो तो सारे जितने मेन फंक्शन है बॉडी के वही यही कंट्रोल होते हैं। मिड ब्रेन में देखो, ये छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन आपका, स्मॉल पार्ट है। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन डायनसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। अब आपको यहाँ पे दोनों वर्ड देखना है, ये पॉन्स आपको दिख रहा, ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और उसके बाद डायनसेफेलॉन यहाँ कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्वाडक्ट या फिर एक्वाडक्ट भी, एक्विडक्ट भी बोल देंगे ऑफ क्या बोलोगे सल्विनस, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से होके ये डक्ट आगे आपके फोर ब्रेन तक जाती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स टू लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉल्ड, दो आपका नर्व फाइबर है जिसे हम बोलेंगे सेरिब्रल पेडेंकल्स या क्रूज सेरिब्री या फिर क्यूरा सेरिब्री। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, इधर आपको दिखेगा ये क्रूरा सेरिब्री है जो इसके कहाँ पे होगा, एंटीरियर पार्ट पे, इस वाले हिस्से पे इसका एंटीरियर पार्ट होगा यहाँ पे, जो इनसे दो नर्व फाइबर्स हैं जो फोर ब्रेन से इनको कनेक्ट करता है। और इसी का पोस्टीरियर जो पार्ट है मिड ब्रेन का, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन
चार स्फेरिकल प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे कोलिकुलस या फिर ऑप्टिक लोब। ये ऑप्टिक लोब इनके पोस्टीरियर सरफेस पर दिखेगा। दो तो आपको यहां दिख रहा है, दो इसके पीछे होगा, जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना कहते हैं। चार एक साथ होते हैं, चार लोब, चार आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर, फोर कॉलिकस कलेक्टिवली नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना। क्वाड्री जमाइना का मतलब है फोर, चार आपके अपर होते हैं, दो लोअर, दो आपको यहां दिख रहे हैं, दो इसके पीछे होंगे। ये भी मैमेलियन कैरेक्टर है और किसी में नहीं देखने को मिलता है। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरिबेलम फॉर्म ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम के अलावा कौन कौन सा हिस्सा? मिड ब्रेन का और हाइंड ब्रेन। ये सेरिबेलम तो आपने कहां देखा? इधर आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट होगा, सेरिब्रल, अच्छा सेरिबेलम फोर ब्रेन का पार्ट है, वो आपको छोड़ देना है फोर ब्रेन का हिस्सा। मिड ब्रेन का और हाइंड ब्रेन का ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के आपको इनको ब्रेन स्टेम बोलेंगे, और क्योंकि इन्हीं से आपका अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड। फोर ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इनके फंक्शंस देखोगे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विजुअल टैक्टाइल। विजुअल का मतलब जो आप देख रहे हो, टैक्टाइल जो आपको स्किन से पता चलता है, जिसे आप टच कहते हो। टच करके जो कुछ भी आप पता कर सकते हो कि सरफेस स्मूथ है, रफ है, टेम्परेचर का पता करते हो, है ना, ये सब आप यहां से पता करोगे। एंड ऑडिटरी इनपुट्स, जो आपका साउंड है उसको आपका मिड ब्रेन ही समझता है। पूरा जो क्रूरा सेरेब्री है कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ लिम्स, मतलब क्या हुआ, जो आपका लोकोमोशन है वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। लिम्स के मसल्स अगर कंट्रोल्ड वे में नहीं काम करें तो आप चलना मुश्किल है, चल नहीं सकते। जैसे हाइंड लिम्स की स्पेशली बात करें तो उनको कंट्रोल करता है आपका क्रूरा सेरेब्री और मसल लिम्स का। तो आपका ये कौन सा भी सुपीरियर एंड इंफीरियर कैलकुलस मींस इनका दोनों चारों लोब कंट्रोल करता है। पैपिलरी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। पैपिलरी रिफ्लेक्स क्या है? जैसे आप दिन के या फिर बहुत ब्राइट लाइट से अचानक से किसी अंधेरे कमरे में चले जाते हो, कुछ दिखता नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद आपकी जो पैपिलरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होती हैं, तो लाइट की एंट्री बढ़ती है तो आपको वो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो वो पैपिलरी रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल करता है। साउंड रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल करता है। साउंड रिफ्लेक्स क्या है? जैसे आप चुपचाप शांत होकर कुछ काम कर रहे हो और पीछे से शेर की आवाज आ गई, या अचानक से कहीं से ऐसी आवाज आई जो बहुत खतरनाक है, शेर जैसा साउंड का उसका साउंड आया, तो आपका बॉडी में क्या आएगा? बहुत क्विक रिस्पॉन्स आएगा, या हो सकता है उठ के भाग जाओ, हो सकता है वहां से उठ के भाग जाओ। तो वो जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम बोलते हैं एक्विस्टिक रिफ्लेक्स। या आप बचपन में याद करो कि जब हम खेल रहे होते थे और घर पे ये हो जाता था कि पापा आ रहे हैं, फिर क्या होता था आप सोच लो। मेडुला ऑब्लोंगेटा देखो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, इधर इनके फंक्शंस देखो। ब्रेन के सबसे नीचे वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा है और इसी से अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसी से क्या अराइज होगा? स्पाइनल कॉर्ड। और इसी को दोनों को मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला को मिला के ब्रेन स्टेम बोला जाता है। मिड ब्रेन को और ये पॉन्स को ले लो, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, और उसके बाद ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पूरा ब्रेन स्टेम। क्यों? यहां से स्पाइनल कॉर्ड का अराइज होगा। और ये क्या कंट्रोल करता है? ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बस इतना याद रखना है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में क्या क्या है? आपका कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स है, आपका बीपी बढ़ रहा है घट रहा है वो इसके हाथ में है, हर्ट का वो हर्ट फेल हो रहा है नहीं हो रहा है वो इसके हाथ में, रेस्पिरेशन का, मेटाबॉलिज्म का, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का, इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, वो यही कंट्रोल करता है। एज वेल एज एक्ट क्या है, कंडक्शन पाथवे फॉर ऑल इम्पल्सेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मतलब जो आपका
स्पाइनल नर्व से जितने भी इम्पल्सेज आते हैं वो इसी के थ्रू होके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में ये जाते हैं। ये आपका एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद क्रैनियल रिफ्लेक्स। अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा था, याद है कुछ वो नी जर्क वाला? तो रिफ्लेक्स एक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्पाइनल एक क्रैनियल। जो ब्रेन का जो, इसीलिए मैंने जब इस रिफ्लेक्स एक्शन की बात की थी तो उसमें हम ये पढ़ते कि जो हमारा इम्पल्स ब्रेन में ना जाए, स्पाइनल कॉर्ड ही उसका एनालिसिस करके रिस्पॉन्स दे दे, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो इधर मेडुला तक आते हैं, कुछ इम्पल्सेज ऐसे होते हैं मेडुला तक आते हैं, यहीं से एनालाइज करके और वो रिस्पॉन्स दे दिया जाता है, तो उनको बोला जाता है क्रैनियल रिफ्लेक्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे, लाइक ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स, सलाइवेशन रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, ये आपका क्रैनियल रिफ्लेक्स है। छींक आना, खांसी आना, और आपका क्या है वो अच्छी वाली थाराराम की मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ये आपका क्या है क्रैनियल रिफ्लेक्स है। और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स भी आपका, वोमिटिंग रिफ्लेक्स, योनिंग रिफ्लेक्स, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, क्रैनियल है। मतलब इन सारे रिफ्लेक्सेस को ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड। योनिंग का मतलब हाँ अभी जैसे है ना इसने करा, और वोमिटिंग आपको पता है, स्वेलोइंग भी पता है क्या निगलना है क्या नहीं निगलना है। जैसे बचपन में याद करो जबरदस्ती कुछ खिलाया जाता था तो आप